हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन हो चुका होगा आप लोगों का और अब बारी है क्वेश्चंस करने की। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको हर वेबसाइट पर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, लेकिन जहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ए बी, विल द करंट बी इंड्यूस्ड इन द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर। अब यहाँ पर ये जो 5 एम्पियर दिया है या रेडियस 1 मीटर दिया है, ये क्या है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ द करंट। यहाँ पर करंट है स्टेडी, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में कि स्टेडी करंट जहाँ पर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, करंट इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि करंट इंड्यूस कब होता है, जब डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन कैसे होगा, मान लो इस कॉइल को मैं कनेक्ट कर दूँ एक बैटरी के साथ में और वहाँ पर मैं करंट को स्विच ऑन करूँ या स्विच ऑफ करूँ, उससे क्या होगा कि जो करंट है वो कॉइल में फ़्लो करेगा, और कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा मतलब कि कंडक्टर के अंदर, तो एक डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा वो करंट इंड्यूस कर देगा इस कॉइल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, स्टेडी करंट है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा सर्कुलर कॉइल के अंदर। नेम द डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड द डोमेस्टिक सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ठीक है, नेचुरल सा आंसर, मतलब कि हमें पता है आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। क्यों है इलेक्ट्रिक फ्यूज, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, जब करंट ज़्यादा आ जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर है वो मेल्ट हो जाती है और हमारा अप्लायंस बच जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट टू एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स वर्ड पर फोकस करना है। इलेक्ट्रॉन्स, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स था, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम एंटर करती है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट अगर मान लो लेफ्ट टू राइट जाती है तो करंट कहाँ जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ, इनटू द पेज है। और अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है, फोर्स है, वो कहाँ लगेगा, एट द बॉटम ऑफ द पेज लगेगा। लगा के देखो, लगाओगे तो बहुत आराम से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शोज अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड वोन ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर एक कॉइल को हमने क्या किया, लपेट दिया, क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, करंट इसमें पास हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है एरो की इस कॉइल के अंदर, वही डायरेक्शन करंट की है। अब हमें ये बताना है कि इसमें ए और बी में से कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा रूल लगाएंगे, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल जब हम लगाते हैं तो अब यहाँ पर देखो, इन दोनों नॉर्थ और साउथ को स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद में बताओ। यहाँ पर देखो, जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल में, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज। और इस कॉइल के अंदर भी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ए पोल हो गया साउथ और बी हो गया नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव दी, कौन सा पोल लीव करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पता है भाई, नॉर्थ पोल लीव करती हैं। एंटर कहाँ करती हैं, साउथ पोल पर करती है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, आपने कौन सा क्वेश्चन दे दिया मैडम, है ना। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज रादर लाइक दैट ऑफ अ, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसका साउथ पोल हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्या करता है, फेस करता है। ठीक है, बहुत ही इजी था, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पी क्यू इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पी क्यू क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। डायरेक्शन हमें क्या निकालनी है, हमें डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी। ठीक है, अब देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाते हैं और करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, अरे भाई पता है हमें, इट इज़ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है क्वेश्चन,
कि आर वन इज लेस देन आर टू, मतलब रेडियस जो है आर वन का वो कम है आर टू से, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी? ये भी पढ़ रखा है हमने कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होता है, कम होता है, तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी, क्योंकि आर वन जो रेडियस है ए का वो कम है इन कंपेरिजन टू आर टू। फिर से एक ईजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये आता है क्वेश्चन, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने इस स्लाइड में अपने जो वीडियोज़ हैं इसमें क्वेश्चन डाल दिया है कि तीन डायग्राम गिवन है, इन तीनों डायग्राम में हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताना है। ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ए बी, फिर हो गया सी डी और तीसरा हो गया ई एफ। देखो हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो दोनों ही केसेस में देखो बाहर निकल रही है, एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ। यहाँ पे एरो क्या है? बाहर की तरफ। दोनों जगह एरो बाहर की तरफ है, मतलब ए और बी दोनों क्या हो गए? नॉर्थ पोल हो गए, जो रिपेल भी कर रहे हैं एक दूसरे को। सेम यहाँ पर हो गया, सी और डी में एरो कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। यहाँ भी एरो कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ, मतलब कि जो दोनों सी और डी हैं ये हो गए साउथ पोल, रिपेल भी कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर देखो ई से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और एफ में एंटर हो जाती हैं, मतलब कि ई हो गया नॉर्थ पोल और एफ हो गया हमारा कौन सा? साउथ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक्टिविटी है हमारी बुक के अंदर कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डिस्क्राइब सम एक्सपेरिमेंट शो टू शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से एसोसिएट कैसे करता है? हमने एक थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली, उसको हमने इस तरीके से फिक्स किया ए बी कि जो वायर की जो पोजीशन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गई। एक हमने प्लॉटिंग कंपास ले लिया एम, उसको हमने यहाँ पे साइड में रख दिया, तो जिस समय करंट फ्लो नहीं करता है उस समय कंपास नीडल पैरेलल होती है टू दिस कंडक्टर, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करता है, तो अगर करंट पास करता है, हमने मान लो हमने स्विच ऑन कर दिया और उसके बाद में हम करंट को फ्लो करते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है। और जो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है वो कहाँ आएगा? अब देखो अगर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो डिफ्लेक्शन आएगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब हो गया कि किधर देखेंगे हम इसको? ये बाहर। और अगर हम इसको कि डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, बी से ए की तरफ कर देते हैं करंट की डायरेक्शन, तो डिफ्लेक्शन आएगा टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है वो एसोसिएट करता है विद द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने वीडियो में डाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि नए नए वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तरीके आप लोगों के सामने आते रहें। नाउ बाय बेटा।